हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो मरकरी थर्मोमीटर है उसमें डिपेंड करता है कि मरकरी का कितना वॉल्यूम फिल किया गया है, या फिर हमारे पास गैस थर्मोमीटर भी हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर भी हैं। तो इसी टाइप से केल्विन ने प्रपोज किया कि एक ऐसा टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो कि डिपेंड करे आपके कार्नोट इंजन के प्रोसेस, जो कार्नोट इंजन में वर्क डन होगा उस वर्क डन के बेस पे टेम्परेचर मेजर किया जा सके, उसकी हेल्प से टेम्परेचर मेजर किया जा सके। तो ऐसी डिवाइस केल्विन ने प्रपोज की थी, तो उसके बेस पे आपका केल्विन थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए और एक यहाँ पे सिंक चाहिए। सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको थीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंक का जो टेम्परेचर है उसको थीटा टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से आपके दो टेम्परेचर्स हैं, मैं मान के चलती हूँ कि बीच में आपका ए इंजन है जो कि क्यू वन हीट अब्जॉर्ब करता है सोर्स से एंड क्यू टू हीट रिलीज कर देता है सिंक को। तो अगर हम एफिशिएंसी लिखना चाहें तो नीटा इज वन माइनस क्यू टू बाय Q1, ओके, टेम्परेचर की फॉर्म में 1 माइनस थीटा 2 बाय थीटा 1। अब हम कहते हैं कि ये नीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय थीटा 1 है, तो नीटा एक फंक्शन है आपका थीटा 1 एंड थीटा 2 का। इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करें तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 यहाँ से हो जाएगा फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, वन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो आपका क्या हो जाएगा, Q2 बाय Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस एफ थीटा 1 एंड थीटा 2, ओके। ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, Q1 बाय Q2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ थीटा 1 एंड थीटा 2। इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं कैपिटल एफ थीटा 1 एंड थीटा 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो एनर्जीज का रेशियो Q1 बाई Q2 इज ए फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, ओके। ये आपका जब हमने ए सिस्टम लिया जिसमें कि सोर्स का टेम्परेचर थीटा 1, सिंक का टेम्परेचर थीटा 2 और इसके बीच में ये सिस्टम काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम एक बी सिस्टम लेते हैं और इस टाइप से लेते हैं कि जो यहाँ से एनर्जी रिलीज की गई, इस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये Q2, और ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो क्या है, Q3, और यहाँ पे आपका इसका एक सिंक होगा जिसका टेम्परेचर थीटा 3, और इस बी इंजन के लिए ये क्या, किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोर्स का काम कर रहा है, तो बी इंजन के लिए सोर्स एट टेम्परेचर थीटा 2, सिंक एट टेम्परेचर थीटा 3, Q2 एनर्जी एब्जॉर्ब की एंड Q3 एनर्जी सिंक को रिलीज कर दी। तो बी इंजन के लिए अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मेरे पास होगा Q2 बाय Q3 इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3, ठीक है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया तो सेकेंड इंजन के लिए हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब नेक्स्ट अगर मान के चलते हैं कि आपका जो ए एंड बी सिस्टम है ये यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम बना देते हैं। अब इस कंबाइंड सिस्टम के लिए क्या होगा, दिस इज सोर्स एट टेम्परेचर थीटा 1, दिस इज सिंक एट टेम्परेचर थीटा 3, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की गई, Q1, और एनर्जी रिलीज कितनी की गई, Q3। तो अब इस सिस्टम के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो मेरे पास आएगा Q1 by Q3 is a function of theta 1 and theta 3. ये तीनों इक्वेशन आपकी क्लियर होगी, 2 and 3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, by मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा, राइट राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो Q1 बाय Q2 इंटू Q2 बाय Q3 इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ थीटा 2 थीटा 3।
क्या हो गया यहाँ से, क्यू वन बाई क्यू थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ थीटा टू थीटा थ्री, दिस इज इक्वेशन फोर। अब अगर हम इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन थ्री दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्यू वन बाई क्यू थ्री, क्यू वन बाई क्यू थ्री अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर क्या मिलेगा हमें यहाँ से, एफ ऑफ थीटा वन थीटा थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू इंटू एफ ऑफ थीटा टू थीटा थ्री, क्लियर। बट ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब आपका जो फंक्शन है एफ थीटा वन थीटा टू का वो इस टाइप से हो कि उसको लिखा जा सके सम फाई फंक्शन ऑफ थीटा वन डिवाइड बाई फाई फंक्शन ऑफ थीटा टू, कि जो दो टेम्परेचर्स के फंक्शन हैं उनके रेशियो के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तभी आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ओके। और ये जो फाई है यहाँ पे, फाई इज सम अननोन फंक्शन होप, फाई इज अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर थीटा, ठीक है। अब इस अगर इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ तो इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास क्या था, थीटा वन बाई क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल्स टू एफ थीटा वन थीटा टू, इस एफ थीटा वन थीटा टू की वैल्यू मैं फाई के टर्म में अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल्स टू फाई थीटा वन बाई फाई थीटा टू। और जो ये राइट हैंड साइड क्या है आपके, केल्विन टेम्परेचर्स का रेशियो, तो आपके फाई एक्चुअल में केल्विन टेम्परेचर हैं, इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम टाउ की फॉर्म में। तो फाई थीटा वन को अगर टाउ लिखती हूँ टाउ वन, फाई थीटा टू को मैं लिख देती हूँ टाउ टू, और ये क्या है आपके केल्विन टेम्परेचर। तो इन केल्विन टेम्परेचर की फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो मेरा जो एनर्जी का रेशियो है क्यू वन बाई क्यू टू वो अब किस टर्म में आ गया, टेम्परेचर की टर्म में। सो जो एनर्जीज इंजन ने अब्जॉर्ब की या रिलीज की उनका रेशियो टेम्परेचर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ से हमें मिल गया रिलेशन एनर्जी का एंड टेम्परेचर का। अब मैं अगर इसको नीटा के साथ कोरिलेट करूँ तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर रिवर्स कर देती हूँ, क्या मिलेगा यहाँ से क्यू टू बाई क्यू वन इक्वल्स टू टाउ टू बाई टाउ वन, दोनों को वन वन में से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन इक्वल्स टू वन माइनस टाउ टू बाई टाउ वन, और ये क्या है वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, दिस इज एक्चुअली नीटा एफिशेंसी। सो दिस इज एफिशेंसी ऑफ योर कारनोट इंजन, एंड कारनोट इंजन की जो एफिशेंसी है उसको टेम्परेचर के साथ कोरिलेट किया जा सकता है, केल्विन टेम्परेचर के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। अब बात आती है एब्सोल्यूट जीरो की। सो एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल, एब्सोल्यूट जीरो क्या है वर्क स्केल के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं जो भी हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी वन माइनस क्यू टू बाय क्यू वन, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस टाउ टू बाय टाउ वन। अब मैं कहती हूँ कि मेरी एफिशिएंसी अगर वन है तो एफिशिएंसी नीटा, इफ नीटा इक्वल्स टू वन, नीटा वन कब होगी, जब मेरा या तो If tau 2 equals to 0 और Q2 equals to 0, या तो tau 2 सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए और आपका Q2 जो सिंक को हीट रिजेक्ट की गई है वो 0 हो जाए। दिस Q2 equals to 0 means that is no heat rejected to the सिंक, कि सिंक को कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं की गई। ऐसा कब हो सकता है कि आपका सिस्टम है उसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की
सोर्स से और उस हीट को कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया और जो सिंक है उस सिंक को जीरो हीट ट्रांसफ़र की। उस केस में जो आपका सिंक का टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर इज़ एब्सोल्यूट जीरो। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन वर्क स्केल। तो यहाँ से हम जो एब्सोल्यूट जीरो है ऑन वर्क स्केल उसको डिफाइन कर सकते हैं कि द एब्सोल्यूट जीरो ऑन केल्विन स्केल और वर्क स्केल, केल्विन स्केल को हम वर्क स्केल भी कहते हैं। सो केल्विन स्केल ऑन और वर्क स्केल इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक। कि कोई भी सिस्टम है वो बिना हीट सिंक को कुछ हीट रिजेक्ट किए हुए अगर सारी एनर्जी हीट एनर्जी को वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो उस सिंक के टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाएगा। ओके अब एब्सोल्यूट जीरो, अगर मैंने कहा कि ये टाउ टू इक्वल्स टू जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो इससे एक लोअर टेम्परेचर हो सकता है, इससे लोअर टेम्परेचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी टेम्परेचर लूँ जिसमें टी टू लेस देन जीरो होगा तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, जो नीटा है उसकी वैल्यू मोर देन वन हो जाएगी। और किसी भी केस में आपका जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन वन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि आपका जो नीटा है वो एक से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, तो जो कार्नोट इंजन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी वन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है।